न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को देश भर में लागू हुए दो दिन भी नहीं हुए हैं। इन्हीं दो दिन के भीतर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर चालान का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। हुआ ये कि दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले एक शख्स पर 23,000 रुपए का चालान हो गया, जबकि जिस स्कूटी से वो यात्रा कर रहे थे उसकी कुल कीमत ही वर्तमान में 15,000 रुपए है। दरअसल दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान हरियाणा के गुड़गांव कोर्ट में काम करते हैं। सोमवार को वो किसी छोटे से काम के लिए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी से बिना हेलमेट के निकले। दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन NOC, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया तो उनके पास उस समय कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि वो कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे, लेकिन तब तक तो उनका 23,000 रुपए का चालान कट चुका था। ये चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213(5)(e) की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया। दिल्ली में मैं दिल्ली में रहता हूँ और गुड़गांव में वर्किंग हूँ मैं सर। मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता हूँ। तो मैं अपनी स्कूटी से गुड़गांव जा रहा था, जो कि हमारे गुड़गांव कोर्ट की सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन में 20 मीटर या 50 मीटर पहले ही मैंने हेलमेट उतार देता हूँ मैं। तो मैंने अपना हेलमेट उतारा और मुझे ट्रैफिक पुलिस ने हाथ दिया और मैं रुक गया। उन्होंने बोला आपका विदाउट हेलमेट का चालान होगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं कोर्ट से ही हूँ और मैंने हेलमेट मेरे पास है। बोले आपने लगा तो नहीं रखा। मैंने कहा सर, कह रहे आपका 1,000 रुपये का फाइन होगा इसमें। मैंने कहा सर मेरे पास 1,000 रुपये भी नहीं है, मैं कोर्ट से बुला लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ। तो बोले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा सर जब मेरे पास नहीं है, कह रहे आप निकाल के दे दो। मैंने कहा सर जब मेरे पास नहीं है मैं कहाँ से दे दूँ आपको। तो उसके बाद कोर्ट से मेरे एडवोकेट आने लगे जितने में, मैंने उनको कॉल करी थी तो इन्होंने मुझे बोला चाबी दे दो। मैंने कहा सर मैं चाबी क्यों दे दूँ आपको, ये बताइए आप चाबी क्यों ले रहे हैं सर। तो इन्होंने कहा नहीं आप चाबी दे रहे। मैंने कहा सर मैं चाबी नहीं दूंगा। तो मैं थोड़ा सा वॉक करने लगा और इन्होंने मैंने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे घर पे डॉक्यूमेंट है। बोले 10 मिनट में मंगा लो। मैंने कहा सर दिल्ली कहाँ है और गुड़गांव कहाँ है, मैं कैसे मंगा लूँ 10 मिनट में। तो बोले आप चालान कटवाओ फिर छुट्टी करो। मैंने कहा सही कहा सर मैं कोर्ट से बुला रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं सर, कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहे आप सर। मैं बोल रहा हूँ स्टाफ से। बोले मैं तो डर गया। मैंने कहा सर मैं डरा नहीं रहा, मैं कॉपरेट की बात कर रहा हूँ सर आपसे। तो उसके बाद मेरे कोर्ट से एडवोकेट आए। एडवोकेट आने के बाद तो मैं वॉक करने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि चाबी। मैंने कहा सर लो आप चाबी ले लो सर, मैं भाग नहीं रहा हूँ यहाँ से। चाबी देते ही उन्होंने उसे टाइम टाइप करा। टाइप करते ही उन्होंने बोला दिनेश मदान। मैंने कहा हाँ जी मेरा ही है दिनेश मदान। उन्होंने बोला एकदम ही उन्होंने स्लिप निकाली और दे दी। एडवोकेट बोले अब तो आपका चालान कट गया, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी है इन्होंने कोर्ट का चालान काटा है, आपकी गाड़ी पाउंड कर दी है, आप कोर्ट से कर लेना। बस मैं स्लिप लेके अपने कोर्ट में चला गया। 23,000 रुपये का सर, जिस 23,000 रुपये का चालान है और स्कूटी की वैल्यू 15,000 रुपये सर, 15 से 16,000 या 18,000 मैक्सिमम उसकी वैल्यू है, इसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं है। चाहते तो वो एक चालान कर सकते थे मेरा कोई भी हेलमेट का, या थोड़ा वेट कर लेते, बट उन्होंने कोई वेट ही नहीं करा। उन्होंने उसे टाइम काट दिया और उसके बाद मैंने अपने घर से व्हाट्सअप पे RCB मंगा ली अपनी। तो उन्होंने मेरा 23,000 रुपये का चालान कर दिया और मेरी गाड़ी उसे टाइम जब्त कर ली। हाँ जी, अब क्या चाहते हैं सर? मैं अब चाहता हूँ कि मुझे कुछ उसमें रियायत की जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट उस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, ये मेरी गलती हो गई, लेकिन मैंने उस टाइम RCB मंगा ली थी। अगर वो वेट करते तो 23,000 रुपये का चालान नहीं होता वो। अब तो मैं ये चाहूँगा सर उसको कम से कम कर दिया जाए, जो हो गया ठीक है, आगे से मैं अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करूँगा। हाँ जी, ये जो हर जगह पे बड़ा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इससे परेशानी हो रही है सर? बहुत परेशानी हो रही है सर। सुबह 5 बजे से इतने कॉल आ चुके हैं, इतने कॉल आ चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा गला भी बैठ गया सबको बता बता के कि हाँ जी मेरा चालान हुआ है। वो बस मुझसे हर कोई ये पूछ रहा है ये फेक तो नहीं है, प्रैंक तो नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जेन्युइन है, मेरी गाड़ी जब्त कर ली उन्होंने। अब हम आपको बताते हैं कि चालान कुल 23,000 का कैसे हुआ। तो बिना हेलमेट सफर करने के लिए 1,000 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5,000 रुपए, बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपए, बिना रजिस्ट्रेशन के 5,000 रुपए और एयर पॉल्यूशन NOC न होने पर 10,000 रुपए का चालान बनाया गया। इस तरह कुल 23,000 रुपए का चालान बना। 23,000 रुपए उस समय उनके पास नहीं थे, लिहाजा उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और मामला कोर्ट में पहुंचा दिया। अब दिनेश इस पशुपेश में है कि 15,000 रुपए की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23,000 रुपए भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें, इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।